क्या बात है, क्या बात है, आप बताइए क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए। भाई साहब आपने इस पूरी रस्ते में लगा दी। कहाँ लगा दी चाहिए? सीनियर आर्टिस्ट से अच्छे ये क्या लगा देते हैं अब तक? वहां से बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। मैं पहले अपनी कुर्सी ले लेती हूँ। हाँ हाँ ले लो। अच्छा आपकी कुर्सी आज यहाँ है। सुनील पाजी प्लीज। सुनील पाजी मैं गिरा सकता हूँ? मैं कम और ड्राइवर रिमूव योर कार, यू ब्लॉकिंग अस। वही तो ढूंढना था। इधर मत देखो, ये सब नकली है, ये सब नकली। अरे हमें ब्रीफ भूल गया ना, प्रोमो सबने देखे ना? हाँ वही प्रोमो जिसके 1 करोड़ से ऊपर। ओह माय गॉड, चलिए फिर कितने में वो ट्रेलर कहते थे, प्रोमो कहते क्या नाम है? ट्रेलर पुराने क्या लोग ब्रीफ उसमें मैं आ सन्नाटा क्यों भाई? गेला फॉर द ग्रेट। मैंने अपने शो का ट्रेलर देखा, मुझे भी पता लगा यार बड़े महंगे आर्टिस्ट लग रहे हैं हम लोग। थैंक यू नेटफ्लिक्स। अभी जो भी आप कान्या जी से मिले, ये जितनी क्यूट है ना, ये उतने हमारे डायरेक्टर की गर्दन रोड कर रहे हैं। तो बट हाँ, उन सबकी सबकी इंटेंशन जो है वो यही है कि सालों से हम लोग आप लोगों को हंसाते आ रहे हैं और इस बार और बेहतर हो, हमेशा हमारी कोशिश रहती है और सच में बेहतर हुआ भी और बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि मैंने तो सारे एपिसोड देखे हैं। आपने तो अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। भाई वो पैसे ही आप प्यार देते रहेंगे जैसे आपने इतने सालों से हम सबको दिया है। पैसे में इतने तो मुझे पता था। देखिए हर किसी का एक सपना होता है कि हम लोग हर बार कुछ ना कुछ और यू नो एक एक फैदर ऐड हो हमारे काम में। सो नेटफ्लिक्स की ये जो खासियत है, इन्होंने इस शो की अगर आप देखिए पीछे डायरेक्ट है आपका, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ले लें, इतने डिटेलिंग और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सो अच्छा लग रहा है और बिल्कुल हमारा सौभाग्य है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड इस शो को लेकर आए हैं। तो थैंक्स टू नेटफ्लिक्स। प्रोफेसर राज निवास मीडिया लेट आया, कुछ नहीं पता। कैसे भाई? अच्छा अब बता दो कहाँ से आए आप? गर्मी से वेलकम भाई, वेलकम। कल पार्टी में तो नहीं आया आज, स्पेशल बात है। सो प्रेस के कितने लोग हैं जिस वे के हैंड्स? बात है मतलब एक मान में खुशी दी थी और आज यहाँ आने के बाद मंच पर खुशी।
मतलब सोच नहीं सकता। अभी इलेक्शन में खड़े होंगे आप। सिक्योरिटी रहता है ना, लोग बस में आते हैं ना देखने कि अमिताभ बच्चन दिखेंगे या कोई, वो देख के किसी को चले जाते हैं।